एक्स के जगह पर क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं, लिखते लागते ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ऑब्जेक्टिव है ना, तो तुरंत तुरंत बना के आपको टिक मारने करेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो एकदम अच्छा से इसको बना देना, अगर सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो, ठीक है। कोई तो यहाँ पे इसको ए मान लीजिएगा, बी सी डी ई लिख ला के बराबर आता है, मैं शॉर्ट वे में बनाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये और ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, सही बात है। इसको अभी आप नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। इसको नज़रअंदाज कर दीजिए, तो ये क्या बन गया है, वो त्रिभुज है, ठीक। तो आपको पता रहना चाहिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर का कोण है ना, अंदर का सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक बात है। लाल पेन से मैं बना रहा हूँ, जिससे आपको ये हो कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ लाल पेन से, ठीक है। और यही पेन से बना दूंगा तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ठीक है। तो ये मैं लाल पेन से दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कितना होगा, तो आप देखिए तीनों जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो आप अगर लिख ला के बनाएंगे तो लिख देंगे ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्रायंगल 180 डिग्री, ऐसे करके लिख दीजिएगा। उतना हम नहीं लिखते, ठीक है। ये 80 और ये 30 है, ठीक है। तो 80 और 30 को फिर लिख दीजिएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री, मैं शॉर्ट वे में बना रहा हूँ। तो 80 30 को जोड़ेंगे तो अर्थ निकाल, ठीक, 110 हुआ। अब बताइए दोनों को जोड़े तो 110 हुआ। अब 180 में से 110 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 70 बचेगा। यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये हो गया ना। तब ना देखिए 80 और 30 110 और फिर ये 70 तो 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, फिनिश हो गया ये। तो दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो 70 हुआ, फिर तीनों को जोड़ेंगे चेक करने के लिए तो 180 हो जाएगा, खत्म। अब देखिए एक रूल होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है, एक नियम होता है, एक गुण होता है, ऐसे करके मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जितना एंगल होगा ना, तो यहाँ भी वही होगा, डमरू जैसा है ना। तो यहाँ पर जितना मान लीजिए मैंने एक लिखा, यहाँ पे दो लिखा, तो एक बराबर होगा दो का, यहाँ पे तीन लिखा, यहाँ पे चार लिखा, तो तीन बराबर हो जाएगा चार का, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ पे क्या करेंगे, एक और नाम है इसका, सम्मुख कोण, क्या नाम है, सम्मुख कोण नाम है, सम्मुख कोण भी नाम है, ठीक है, सम्मुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप देखिए ये कलम ऐसे रखा मैंने, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। तो आप देखिए ये और ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सत्तर है, तो ई भी क्या हो जाएगा, सत्तर अभी मैंने बताया, ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, ठीक है। क्यों वाई, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़, इसको फिर हटा दीजिए, फिर देखिए ये ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, फिर वही चीज़, ट्रायंगल में तीनों का जोड़ के क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए ये 70 है और ये 65 है, तो ये कितना होगा, फिर वही चीज़ दोनों को जोड़िए, तो 70 और 65 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 713, 135। अब बताइए पूरा जोड़ के 180 होता है, ठीक है, पूरा जोड़ के 180 होता है, इसमें से 135 को घटा दीजिए, ठीक है, कितना बच गया, 45। यहाँ पे इसको दिया ना, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, 45 हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि इतना यहाँ पे क्या देते हैं, 45 डिग्री, एंगल को मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, 45 डिग्री, कहाँ है ऑप्शन में, पी में है ऑप्शन, 45 डिग्री आंसर हो गया।